हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से रितु पांडे आपके लिए हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक से जूनियर क्लर्क की वैकेंसी के बारे में डिटेल जानकारी लेकर आई हूं। तो हम शुरू करते हैं इसकी इम्पॉर्टेंट डेट से। इस वैकेंसी की इम्पॉर्टेंट डेट जो है, जो कि शुरू हो चुकी है, वो एक अगस्त से शुरू हुई है और इसका फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है वो 15 अगस्त है। और इसकी एग्जामिनेशन डेट ही साथ में दे रखी है और टाइमिंग भी दे रखी है, जो कि है 27 अगस्त को एग्ज़ाम होगा 11 बजे से 12:30 बजे तक। ओके, तो नेक्स्ट हम उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं। इसकी वैकेंसी को देखते हैं। इसकी वैकेंसी जो आई हुई है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 70, जिसमें जनरल की 25 वैकेंसीज हैं, एंड एससी की 11, एसटी की 1, ओबीसी की 8, एंड अदर पोस्ट जो डिवाइडेड है वो आप जो है वैकेंसीज आप देख लीजिएगा। उसके बाद जो है हम इस पोस्ट की जो है ग्रेड पे को देखें, जो 3200 है, जो 3200 का ग्रेड पे देगा ये पोस्ट। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है हमारा 10+2 है विद 50% मार्क्स, ठीक है, जिसमें एससी एसटी को रिलैक्सेशन भी मिलेगा 5%। और एज जो है इसमें मिनिमम एज है 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज है 45 ईयर्स। सो इसमें फिर काफ़ी लोग एलिजिबल हो जाते हैं, तो आई थिंक इसमें अप्लाई कर देना चाहिए आप लोगों को, जो लोग इसमें एलिजिबल हैं, ठीक है। अब हम आते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के ऊपर। एप्लीकेशन फ़ी है जनरल कैटेगरी एंड ऑल ऑल कैंडिडेट्स ऑफ अदर स्टेट्स के लिए 600 रुपीज़ है, और एससी एसटी ओबीसी पीएच के लिए 400 है, ठीक है। और एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो लोग देंगे, वहीं पर होगा, आई थिंक हिमाचल प्रदेश में ही पड़ेगा। इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं एक बार। इसका सिलेबस जो है रिटन एग्ज़ाम होगा, जो 85 मार्क्स का होगा और 4 कैटेगरीज में होंगे, जिसमें जनरल नॉलेज होगा इंक्लूडिंग एचपी जनरल नॉलेज, एंड 20 मार्क्स ईच इन रेस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, ठीक है, दैट इज जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है, जिसमें इंक्लूडिंग होगा मैथ्स एंड रीजनिंग। ओके, और इसकी एग्जामिनेशन ड्यूरिंग जो होगी वो 90 मिनट्स के होंगे, तो आई थिंक पेपर बहुत अच्छा आने वाला है, तो आप इसकी तैयारी कर लीजिए। और साथ ही में एग्ज़ाम की डेट भी दी हुई है, तो आप एकदम लग जाइए एग्ज़ाम में। और इसको अप्लाई करने के लिए जो इसकी साइट है उसके बारे में मैं बता देती हूँ। ये इसकी साइट साथ में दी हुई है, आप इसको अप्लाई करने के लिए www.hpbose.org पे जाएंगे, और वहाँ पर एचपी बैंक रिक्रूटमेंट आएगी, एक ऑप्शन लिंक होगा, वहाँ पे क्लिक करने पे आपको फॉर्म खुलकर आएगा। वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फॉर्म फिलअप करना है, पिक्चर और सिग्नेचर आपको अपनी डाउनलोड कर उसमें अपलोड करनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट, जो ये जो हमारा जो एग्ज़ाम का पैटर्न होगा उसमें आपको ये ओएमआर शीट के उस पे होगा, आपको ओएमआर शीट दी जाएगी और आपको इस तरह से इसको ओबलिंग करनी होगी, ठीक है। और इसके बाद तो हो गया, आप इसको फॉर्म फिलअप कर दीजिए जल्दी से। अगर आपको सब कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में नीचे पूछ सकते हैं।